नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग हो रही है और देश चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मेरे पापा को वापस लाओ, मुझे अपने पापा चाहिए। मैं सोचा था जब मैं घर जाऊंगा मैं देश के लिए थोड़े खिलौने भेजूंगा, फिर मैंने सोचा क्या मतलब, खिलौने से क्या होगा, फुटबॉल से क्या होगा, क्रिकेट बैट से क्या होगा, वो तो अपना पापा चाहता है। तो ये हरियाणा की हालत है और ये हम बदलना चाहते हैं। यहां पे स्टेज पे पुनिया जी बैठे हैं, कहां है ये और इनके जैसे लोग गोल्ड मेडल पाते हैं। मैं इनके जिम में गया, ये 24 घंटा लगे रहते हैं, क्यों गोल्ड मेडल चाहिए, क्यों हरियाणा का नाम रोशन करना, हिंदुस्तान का नाम रोशन करना, पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि हरियाणा का नाम जाए, हिंदुस्तान का नाम जाए। गोल्ड मेडल हम अपने लिए नहीं लेते हैं, गोल्ड मेडल हम हिंदुस्तान के लिए लेते हैं। इन्होंने कहा मुझे, इसने कहा, वो भी 4 बजे सुबह। इनका क्या किया, सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया, इनके बहनों का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। 24 घंटे टीवी पे देखो वो रो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी का आदमी है, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, देश के साथ चिल्लाओ, 24 घंटा चिल्लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए, हमें हरियाणा ऐसा चाहिए जहां बच्चे ना रोएं, जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके, जहां मां ना रोए, ऐसा हरियाणा हमें चाहिए और ऐसा हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। अब आप मुझसे पूछोगे ठीक है आपने कह दिया, बताओ कैसे। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं, पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को MSP गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। मगर ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा की नहीं है, मैं आपको बताऊं ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है और ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, ये हो क्या रहा है, ये बीजेपी के लोग कर क्या रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रक्षा करता है और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह नहीं सकते, ऐसे स्टेज पे आकर वो कह नहीं सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मिटा देंगे, मगर वो करते हैं। सारी की सारी संस्थाओं को RSS के लोगों के हवाले कर दिए हैं, पूरा कंट्रोल नागपुर का है, उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए, जिन जिन लोगों को
आरएसएस ने हिंदुस्तान की संस्थाओं में डाला है, लिस्ट निकाली है, चाहते मैं दे दूंगा आपको। उसमें ना आपको एक ओबीसी मिलेगा, ना आपको एक दलित मिलेगा, ना आपको आदिवासी मिलेगा। तो खोखला कर रहे देश को इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग, मीडिया में अपने लोग, इंटेलिजेंस सर्विसेज में अपने लोग, और 90% हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं। इसलिए हमने चुनाव में जाति जनगणना की बात की, हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है यह हम जानना चाहते हैं। अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, जैसे चोट लगती है आपको, पैर में चोट लगती है, डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे कराओ, चेक कराओ। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि भैया चेक कराओ, इस देश में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, ये पता लगाओ। कभी आरएसएस कहती है करना चाहिए, अंदर से कहते हैं भैया ये मत करवा देना, सच्चाई निकल आएगी। सच्चाई क्या है कि 90% लोगों के पास कुछ है ही नहीं। 250 सबसे बड़े बिजनेस देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल लीजिए, उनके सीईओज की लिस्ट निकाल लीजिए, ओनरशिप जिसके हाथ में उनकी लिस्ट निकाल लीजिए। आपको उसमें एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं उसको अभी भी ढूंढ रहा हूं। कॉर्पोरेट इंडिया में 90% हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति नहीं है, गरीब जनरल कास्ट भी वहां आपको नहीं दिखेगा। सिलेक्ट लोग हैं, अदानी जी का बिजनेस है, हजारों बिजनेस उससे कनेक्टेड है, वो सारे के सारे कोई ना कोई परिवार का आदमी है, भाई कुछ करता है, बहन कुछ करती है, फैमिली बिजनेस है। ऐसे ही बिजनेसेस हैं। 250 में से आप मुझे नाम दे दो दलित का, आप नाम दे दो आदिवासी का, आप नाम दे दो पिछड़े का, नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में देखो, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, सेक्रेटरी कहलाते हैं, 3 दलित है, आबादी 15%, 90 में से 3, पिछड़ों की आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3 होने कितने चाहिए, 45 अगर आप आबादी से जाओ, नहीं 3। और बजट कितना संभालते हैं, आदिवासी जिनकी 8% आबादी है 100 रुपए में से 10 पैसे का बजट संभालते हैं, दलित 100 रुपए में से 1 रुपया संभालता है, ओबीसी 100 रुपए में से 5% संभालता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसलिए हमने कहा है कि जाति जनगणना होगी, नेशनल लेवल पे होगी, और मैंने कहा है मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में, आप करो ना करो, मैं इसको इसी हाउस में पास करवाऊंगा, आपके मुंह के सामने करवाऊंगा। तो ये हरियाणा की रियलिटी है। और ये क्या करते हैं, बांटने का काम करते हैं, मीडिया वाले 24 घंटे लगे रहते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा दो, एक धन को दूसरे धन से लड़ा दो, और पूरा फायदा अदानी को पहुंचा दो। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है, और हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी, और मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, कहीं भी पार्लियामेंट में आपको कुछ उठवाना हो, कुछ कहलाना हो, आप मुझे बस ऑर्डर दीजिए,
राहुल जी हरियाणा आपसे ये कहलवाना चाहता है, मैं कह दूंगा वहां पे जाके, दिल का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं आपसे यहां आके 50 झूठ नहीं बोलने वाला, वो मोदी जी का काम है। आपने 10 साल देख लिए, सुन ली उनकी बात, आमदनी दुगनी कर दूंगा और फिर काले कानून ले आए, छोटे बिजनेसेस को फायदा पहुंचाऊंगा, नोटबंदी जीएसटी ले आए, उनका काम आप जानते हो। अब सब मिलकर एक साथ हरियाणा को खड़ा होना है, क्योंकि देर जैसे जो बच्चे रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने हैं, उनको खुश करना है और उनको अपने पिता के पास गले मिलने देना है।